सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहली रोटी आपने जैसे ही बनाई, आप उसी वक्त ही छीटा मारकर उसको गैस को जो है वो पूरा तवे को फिर साफ कपड़े से आपने उस दूध को जो है पोंछ देना है। और जैसे ही आप पोंछेंगे उसकी जो एक जो उसकी हवा सी निकलेगी, उसके अंदर से जो सुगंध सी निकलेगी दूध, और वो जो जला हुआ जो भाप सी आपकी निकलेगी, उससे आपके घर की सारी नेगेटिविटी जो है वो दूर करने की उसमें शक्ति होगी और सारी नेगेटिविटी को दूर करेगी। करके देखें ये उपाय, आपके जीवन में चमत्कार आपको होता हुआ नजर आ जाएगा। आप दिन में एक समय भी ये उपाय कर सकते हैं और दिन में जो है ये दो बार भी कर सकते हैं। जब भी आप दोपहर का खाना बनाते हैं, रात को खाना बनाते हैं, या आपके पास दिन में टाइम नहीं है, तो रात को रोटी लगाने से पहले, अब लोग कहेंगे कि रोटी लगाने के बाद भी करना है, नहीं, रोटी लगाने के बाद नहीं करना है। रोटी जब आप लगानी शुरू करोगे, पहली रोटी आपने जैसे ही बनाई, आप उसी वक्त ही छीटा मारकर उसको गैस को जो है वो पूरा तवे को पूरा आपने जो है मुलायम मलमल के कपड़े से साफ कर देना है। आपकी लाइफ में बीमारियां, आपके घर से बीमारियां, सब दुख तकलीफें आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ में एक और उपाय कर लीजिएगा, थोड़ा सा दो चम्मच दूध ले लीजिए और थोड़ा सा पानी पूरा भरकर अपने मुख्य द्वार के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर भी सुबह सुबह ये डाल दिया करें, ताकि घर के अंदर ऐसी चीजें आए ना, नेगेटिविटी आए ना। और दूध और पानी जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर डालेंगे, चंद्रमा को सभी ग्रहों की माता कहा गया है, और सभी ग्रहों और वास्तु में भी चंद्रमा का बड़ा प्रयोग किया गया है, और दूध जो है वो चंद्रमा की ही कारक चीज है और पानी भी चंद्रमा की कारक चीज है। तो इसी से आपने जो है दूध और पानी को मिलाकर आपने मुख्य द्वार के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों को वहां पर छिड़क देना है। उसके बाद उसको पोंछना नहीं है, तवे को ही पोंछना नहीं है। ये उपाय आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको संडे को नहीं करना है, मंडे को नहीं करना है, रेगुलर कीजिए जब तक आपके कलेश जो है वो खत्म नहीं हो जाते। कईयों के 7 दिन में खत्म हो जाते हैं, कईयों के 1 ही दिन में खत्म हो जाते हैं, कईयों को 11 दिन लग जाते हैं, लेकिन ये उपाय जो है थोड़ा रेगुलर कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर करने से ही आपको थोड़ी और जो है दिक्कत परेशानियां जो है आपकी जो ग्रह नेगेटिव हो रहे हैं वो भी आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो दर्शकों, मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यही विराम दूंगी।